नमस्कार, आप सबका आपकी चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में। बहुत सारी क्वेरी आई थी स्मॉल कैप इंडेक्स के रिगार्डिंग, स्मॉल कैप स्टॉक के रिगार्डिंग, कि मार्केट में क्रेश होगा, आगे क्या करना चाहिए, कहां पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारी क्वेरीज आई थी, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे आज। तो हम वन बाय वन इंडेक्स भी देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। मेरी कोई भी बाई सेल या होल्ड की राय नहीं है, राइट? तो ये चीज आप ध्यान में रखें। ये सिर्फ आपको मैं यहाँ पे किस तरह से चार्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वही चीज मैं आपको यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट हुआ था जो अप्रैल मंथ 2023 से स्टार्ट हुआ था एंड स्टिल अभी भी एक अप ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी, उसके बाद यहाँ पे एक साइडवेज फेज में चला गया, वापिस एक गिरावट आई, बट छोटी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली एंड एक बड़ा एक बिग रेड कैंडल आपको देखने को मिला। अगेन यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल देखने को मिली एमए को, राइट? लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक ही बार टच करा था एंड बाउंस हुआ था। इस बार आप देखेंगे तो ये तीसरी बार यहाँ पे टच कर रहा है, इसके नीचे गया है, तो थोड़ा सा एक वीकनेस का साइन यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आपको कॉशन होना है यहाँ पे, स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ एंड अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो स्मॉल कैप स्टॉक को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कहेंगे तो उसको अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे करेक्शन ड्यू है। आई एम नॉट सेइंग कि कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से एक रिवर्स होता है, इसको क्रॉस कर देता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक बार यहाँ पे गिरावट ड्यू दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप हर एक बार देखेंगे तो लो से लेके अभी आप देखेंगे तो 90% का मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया है एंड यहाँ पे जो एक्टिविटी जो हो रही है, जिस तरह से बिहेव कर रहा है इंडेक्स, उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे एक फॉल ड्यू है। यहाँ पे माइट भी आने वाले वीक में या फिर आने वाले 1 से 2 मंथ या 3 मंथ में आपको देखने को मिल सकता। तो ये चीज आपको यहाँ पे संभल के चलना चाहिए स्मॉल कैप पर्टिकुलरली स्टॉक में, एंड जो स्टॉक ऑलरेडी पीक पे है उस पे आपको स्पेशली अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप ट्रैप ना हो जाओ एकदम हायर लेवल से, राइट? तो उसका पर्पस, इस वीडियो का पर्पस यही है कि आप हायर लेवल पे ट्रैप ना हो जाओ, राइट? नो डाउट यहां से एक थोड़ा सा बाउंस भी हो जाए तो भी नॉट एन एनी इश्यू, क्योंकि इतने बाउंस बैक से मतलब क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब राइट 5-10% की रैली होगी। बट क्या है कि अगर यहाँ पे गिरावट होगी तो आपको बहुत बड़ा मतलब लॉस हो सकता, राइट? तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, इवन दो यहाँ से बाउंस भी हो सकता है, बट आई पर्सनली अवॉइड स्मॉल कैप स्टॉक एज दिस सिचुएशन, क्योंकि कभी भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप देखेंगे तो 200 डेज का बेस कंसीडर करेंगे तो भी यहाँ पे 10-15% का आपको एक स्मॉल कैप इंडेक्स में एक फॉल देखने को मिल सकता, राइट? तो ये चीज आपको स्टडी करना पड़ेगा एंड आपको ट्रैप नहीं होना है हायर लेवल पे, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। एंड अभी दूसरा इंडेक्स देखेंगे मिड कैप का, तो उसमें भी मैं मिड कैप का आपको दिखाता हूँ। मिड कैप का आप इंडेक्स देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह का एक चार्ट स्ट्रक्चर बना है, बट इसमें 50 डेज ये में अभी ब्रेक नहीं करा, राइट? बट यहाँ पे बार बार उसको टच करने का अटेम्प्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अभी क्लोजली वॉच करना है। अगर इसको ब्रेक करता है तो वापिस एक मूवमेंट आएगा, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जा रही है स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स में, तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रखें। दूसरा मैं आपको निफ्टी का बताता हूँ। निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नैरो रेंज में चल रहा है, यहाँ पे एक
कंसोलिडेशन कर रहा था, वापिस ऊपर गया, एक छोटी सी रेंज में ही यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। एंड अगेन आप देखेंगे आज का कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग रहा है एंड पिछले तीन दिनों का जो हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो निफ्टी क्लियरली यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जबकि स्मॉल कैप में आपने देखा होगा कि एक रेड कैंडल बनी है, थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ था बट ओवरऑल स्टील काफी सारे स्टॉक नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी के स्टॉक यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक और चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो, स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पे आपको रेशियो चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा, स्मॉल कैप इंडेक्स एंड निफ्टी का, इन दोनों का आप रेशियो चार्ट भी देखेंगे यहां पर। मैं यहाँ पे आपको, अगर इन दोनों का आप रेशियो चार्ट भी देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू निफ्टी एंड निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से ये 50 डेज यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ये रेशियो चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे करेक्शन क्लियरली ड्यू आपको दिख रहा है। तो ये चीज आप आने वाले टाइम में आप ध्यान में रखें, राइट। तो ये स्मॉल कैप में पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो मैं वापस उसका इंडेक्स ओपन करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तीसरी बार अटेम्प्ट करा है, तो ये चीज आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि काफी सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट 90-95% पीपल होल्डिंग द स्मॉल कैप स्टॉक ओनली, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, लार्ज कैप स्टॉक ज्यादातर लोग होल्ड नहीं करते क्योंकि उसमें मूवमेंट इतना फास्ट नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप स्टॉक में मूवमेंट नहीं आती। आप देख लो जो प्राइवेट बैंक है उसमें भी अच्छी मूवमेंट थी आज, दूसरे टाइटन में भी एक अच्छी मूवमेंट थी, पीडी लाइट में आप देखेंगे तो उसमें भी एक अच्छी मूवमेंट थी। तो जो बड़े स्टॉक है उसमें भी मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स की जगह पे आप थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो भी बेटर रहेगा, एंड हो सके तो इसमें आप कम से कम ट्रेड करें स्मॉल कैप स्टॉक में, या फिर आप अवॉइड कर सकते हो जब तक ये अच्छा स्टेबल नहीं हो जाता तब तक, राइट। तो ये छोटा सा वीडियो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि काफी सारे लोगों के मतलब मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि वो एकदम से पीक पे, जहां पे पीक पर इंडेक्स होता है उस टाइम उसने स्टॉक बाय करा होता है, जैसे ही इसमें गिरावट आती है तो स्टॉक 8-10% सीधा ड्रॉप हो जाता है, राइट। अभी तो इतना करेक्शन भी नहीं हुआ, आप देख सकते हो 3-5% ही इंडेक्स फॉल हुआ। सोचो अगर यहां तक ये ड्रॉप होगा तो कितने परसेंटेज आपका स्टॉक ड्रॉप हो सकता, राइट। तो ये चीज आप गलती ना करें, थोड़ा सा संभले क्योंकि यहां तक आपने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है, तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा कॉशन होके काम करें एंड स्टॉप लॉस जरूर बनाए रखें, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ आप शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।